हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों से प्राप्त वस्तुएं, जैसे हड़प्पा जो सभ्यता था उसमें बहुत सारे नगर थे, बहुत सारे शहर थे, ठीक है, उसमें से जैसे कि हमारा मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ठीक है, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, तो ये सब जगह है। तो जैसे बहुत सारा जैसे वस्तु है ना, तो कौन सा वस्तु किस जगह से प्राप्त हुआ है, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। और हम लोग इस चीज को जानेंगे भाई ट्रिक से, किससे जानेंगे, ट्रिक से जानेंगे, ट्रिक से जानेंगे। बेफिक्र रहिए, बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि मोहनजोदड़ो में कौन कौन सा वस्तु पाया गया था, मोहनजोदड़ो में कौन कौन सा वस्तु पाया गया था, तो 1398 ठो मुहर पाया गया था, पुजारी का सिर पाया गया था, मोम के सांचे पाए गए थे, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति पाई गई थी, नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति पाई गई थी, विशाल स्नानागार पाए गए थे, पशुपतिनाथ की मूर्ति पाया गया था। पशुपतिनाथ का मूर्ति मतलब हो गया तीन मुख वाले देवता, मतलब ऐसा भगवान, ऐसा देवता जिसके मतलब जिसका तीन दो मुख था, जिसका तीन दो मुख था, ठीक है, उसको यहाँ पर पशुपतिनाथ का मूर्ति बोला गया है। फिर एक यहाँ पर पाया गया है सभागार। तो ये सब जो वस्तु है भाई, ये सब जो वस्तु है आप लोग देख लीजिए, ये कहाँ पाया गया है, तो ये हमारा मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कहाँ पाया गया है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कैसा ट्रिक, प्यार मोहब्बत वाला ट्रिक, चलिए बताता हूं मैं, देखिए कैसे याद करिएगा। ट्रिक का नाम है पुजारी और उसके गर्लफ्रेंड की कहानी। मतलब एक तो भाई हमारा पुजारी है, ठीक है, और एक हमारा क्या है उसका जीएफ यानी गर्लफ्रेंड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। ये पुजारी और ये उसकी गर्लफ्रेंड, दोनों में बहुत ही गहरा वाला प्यार। पुजारी इसको एकदम बेपनाह इससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसका जो जीएफ है ना भाई, ये थोड़ा लालची जीएफ है। ऐसा जीएफ है, लालची जीएफ, यानी इसका एक बॉयफ्रेंड से पेट नहीं भर रहा है, तो इसने क्या क्या है, और एक दो तो बॉयफ्रेंड पटा के रखा है। बात समझिएगा ध्यान से, पुजारी का एक गर्लफ्रेंड है, कोई मतलब नहीं है, ये तो इससे बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार करते हैं, लेकिन ये जो गर्लफ्रेंड है ना भाई, गर्लफ्रेंड मतलब इसको शॉपिंग करने का बड़ी चस्का था, इसलिए इसने और एक दो तो बॉयफ्रेंड बनाकर ये रख लिया है पहले से। अब होता क्या, ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो गर्लफ्रेंड है उसको मतलब लगता है कि भाई पुजारी से किसी भी प्रकार से छुटकारा चाहिए, मतलब इससे हमें करना है ब्रेकअप, मतलब अब हमारा क्या होगा, दिल हमारा टूटेगा, अब हमारा दिल टूटेगा, पुजारी से करना है इसको ब्रेकअप। तो ब्रेकअप तो ऐसे होगा नहीं, तो कैसे होगा ब्रेकअप, तो भाई ध्यान से सुनो, ये गर्लफ्रेंड क्या करती है, एक राजा के पास चली जाती है। गर्लफ्रेंड क्या करती है, एक राजा के पास चली जाती है और पुजारी के ऊपर क्या करता है, मतलब एक कोई दोष बोल देता है कि पुजारी मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, मतलब इसको दोषी ठहरा देता है, इसको दोषी ठहरा देता है, पुजारी को क्या करता है, दोषी ठहरा देता है, इसीलिए इसको दोषी ठहरा देता है क्योंकि गर्लफ्रेंड को इससे ब्रेकअप करना है, तो किसी भी तरीके से इसको दोषी ठहरा देता है। अब राजा के पास ये मुद्दा चला जाता है, तो राजा क्या बोलता है, देखिए ध्यान सुनिएगा, राजा क्या बोलता है, राजा पुजारी को क्या बोलता है कि या तो तुम हाथ जोड़ो, या तो तुम हाथ जोड़ो, या फिर तुम 1398 मुहर लाकर दे दो। ध्यान से सुनिएगा बात, गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप करना है, तो गर्लफ्रेंड शिकायत लेके चल जाते हैं राजा के पास, तो राजा क्या बोलते हैं, या तो तुम हाथ जोड़कर माफी मांगो, या फिर 1398 को मुहर लाकर दे दो। बात को ध्यान से सुनिए, यहां पर यह बोला गया कि या तो तुम हाथ जोड़ो, या फिर 1398 को मुहर लाकर दे दो। तो भाई ध्यान से यहां पर सुनिएगा, जैसे जोड़ो से हमारा हो गया मोहनजोदड़ो, जोड़ो से क्या हो गया मोहनजोदड़ो, और 1398 मुहर से हमारा 1398 मुहर ही हो गया, मतलब यहां पर बोला जाता है कि तुम हाथ जोड़ो या फिर 1398 मुहर लाकर दे दो, ठीक है। तो पुजारी ना तो हाथ जोड़ता है और ना ही मुहर लाकर देता है, पुजारी ना तो हाथ जोड़ता है और पुजारी ना तो मुहर लाकर देता है। और भाई राजा का बात अगर आप लोग नहीं मानोगे तो आपका सर नहीं रहेगा, सर धड़ से अलग हो जाएगा। तो यहां पर राजा क्या करता है, पुजारी का जो सिर है उसके धड़ से अलग कर देता है, काट देता है, मार देता है, फेंक देता है। बात क्लियर, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पुजारी का तो भाई राम नाम सत्य हो गया, अब इसका होगा भोज, क्या होगा, भोज होगा, क्योंकि मर गया, ठीक है, पुजारी का राम नाम सत्य हो गया। तो पुजारी का जब राम नाम सत्य हो जाता है तो क्या होता है, उसके याद में, पुजारी के याद में क्या होता है, एक मोम का पुतला बनाया जाता है, उसके याद में क्या किया जाता है, एक मोम का पुतला बनाया दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे मोम के सांचे, यानी एक मोम का सांचा बनाया जाता है, एक मोम का पुतला बनाया जाता है, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, मोम का पुतला बनाया गया, पुजारी मर गया, तो भाई ये जो गर्लफ्रेंड है ना ये बहुत ही खुश हो गई, ये बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि ये जो चाहती थी इसका काम बन गया, पुजारी का राम नाम सत्य हो गया। तो ये जो लड़की थी ये अब क्या कर रही है, ये पूरा डांस कर रही है, नृत्य करती हुई लड़की, मतलब ये पूरा नृत्य करने लगी, डांस करने लगी। बात समझे कि नहीं समझे, क्योंकि छुटकारा मिल गया, इसका तो ब्रेकअप हो गया, तो ये डांस करना शुरू कर दी। तो नृत्य करती हुई लड़की का जो भी मतलब मिला है भाई, कहां से मिला है, तो मोहन जोदड़ो से ही मिला है। देखिए यहाँ पर भी नृत्य आ रहा है और यहाँ पर भी नर्तकी है, नर्तकी मैंने डांसर ही होता है, मतलब डांसर बुलाया गया। वो लड़की क्या करती है, खुद तो डांस कर रही है और साथ ही साथ और नर्तकी को बुलाती है और डांसर को बुलाती है कि चलो डांस करो। क्यों? क्योंकि मेरा ब्रेकअप हो गया, क्योंकि मैं जो चाहता था मेरा वो चीज हो गया। तो पूरा पूरी यहाँ पर डांस हो रहा है, यानी कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति है ये भी हमारा मोहन जोदड़ो से मिला, और नृत्य करती हुई जो लड़की है ये भी हमें मोहन जोदड़ो से मिला। जब देखिए इस लड़की का मनोकामना पूरा हो गया, तो अब ये लड़की क्या करती है, जाती है और सबसे पहले स्नान करती है। देखिए स्नानागार है, स्नानागार यानी स्नान करके आती है, क्योंकि भाई वो जो चाहती थी उसको मिल गया, जिससे उसको ब्रेकअप करना था, ये पुजारी से, पुजारी का राम नाम सत्य हो गया, तो उसका मनोकामना पूरा हो गया। तो लड़कियां क्या करती है, जाती है और नहा कर आती है। फिर नहा कर आने के बाद क्या करती है, जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है, यानी एक देवता का मतलब क्या पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है यानी एक देवता का मूर्ति था, तो उसके सामने जाती है लड़कियां और हाथ जोड़कर पूजा करती है। बहुत खुश है भाई, क्योंकि उसका जो पुजारी जो बॉयफ्रेंड था उससे उसको छुटकारा चाहिए था, छुटकारा मिल गया, तो यहाँ पर लड़कियां खुश है। तो यहाँ पर जाकर पूजा वगैरह कर देती है। पूजा करने के बाद अब उसका जो दूसरा वाला जो बॉयफ्रेंड था उसको लेता है और सभागार में पहुंच जाता है और सबको दिखाता है कि देख लो पुजारी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि ये जो है भाई ये मेरा बॉयफ्रेंड है, क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है। तो ये कहानी था और इस कहानी से हम लोगों ने सब कुछ जान लिया। अब देखिए एक मिनट के भीतर बात करेंगे, इतना बड़ा कहानी मैंने आपको पढ़ाया, एक मिनट के भीतर बात करेंगे क्या था क्या नहीं था। पुजारी को हाथ जोड़ने बोला, नहीं जोड़ा, तो जोड़ो से हो गया मोहन जोदड़ो। उससे मुहर मांगा गया था, तो मुहर यानी 1398 मुहर मांगा गया था, ये भी नहीं दिया और न ही हाथ जोड़ा। तो पुजारी का सिर काट दिया गया, जैसे पुजारी का सिर काटा गया तो उसके याद में एक मोम का पुतला बनाया गया। अब देखिए लड़कियां खुश, क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया, तो भाई पूरा मतलब देखिए खुद भी डांस कर रही है, लड़की खुद भी नृत्य कर रही है और उसके अपने दोस्तों को यानी कि डांसर यानी नर्तकी को बुलाकर पूरा डांस हो रहा है। जब मनोकामना पूरा हो जाता है तो स्नानागार जाती है, स्नान करती है और जो पशुपतिनाथ जो भगवान है इसका पूजा करती है और उसका जो दूसरा बॉयफ्रेंड था उसको सभा में प्रस्तुत कर देती है, बोलती है कि देखो ये मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड है। अब बताओ आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया। अगर ये मोहन जोदड़ो वाला कहानी अगर आपको समझ में आ गया है, पुजारी और उसके गर्लफ्रेंड की कहानी अगर आपको समझ में आ गया है, तो हम लोग नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ेंगे। एक बार आप लोग चैट सेक्शन पे चैट करके बता दो कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। चलो फटाफट बताओ, कोई लेट नहीं भाई, कोई लेट नहीं, आप लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ है, पुजारी का ब्रेकअप हुआ, ठीक है, बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी।